नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर 2016 के बारे में कि आप ऐसा क्या करें कि 2016 और बेहतर रहेगा, इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, राशि का स्वामी मंगल अष्टम में होने के कारण इस महीने भी कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह महीना बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। इष्ट मित्र तो आपके मददगार बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही आपके स्वयं के निर्णय भी इस समय बड़े ही प्रभावशाली रहेंगे। अलबत्ता निजी जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। महीने का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत और भी अच्छा रहेगा। इस समय आप सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नौकरी व सम्मान के स्तर में बढ़ोतरी होती हुई भी नजर आ रही है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को सिंदूर मिला जल अगर आप चढ़ाते हैं तो जीवन में और भी बेहतरी आएगी। और अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वाले, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रह सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल जरूरी होगा। इस महीने आप अपने प्यार का भी ख्याल रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बेवजह क्रोध करके निजी जीवन में कटुता घोलने से आपको बचना होगा। हालांकि महीने का पहला भाग थोड़ा तनाव भरा रह सकता है, कुछ घरेलू समस्याएं भी आपके तनाव का कारण बन सकती हैं, लेकिन जो दूसरा भाग है महीने का वह अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। यार दोस्त आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे तो निश्चित है कि आपके काम भी बनते रहेंगे और आप प्रशंसित भी होते रहेंगे। उपाय के रूप में नववर्ष की 6 कन्याओं को मिठाई खिलाना शुभ रहेगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सामान्यतः इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। यदि विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। दूर के लोगों से आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होने वाले हैं। महीने के आरंभ में आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन इस ऊर्जा के चलते किसी पड़ोसी या फिर करीबी व्यक्ति से उलझना ठीक नहीं रहेगा। महीने का दूसरा भाग और अच्छा है, लेकिन कुछ तनाव के चलते, कुछ घरेलू जीवन में जो तनाव होंगे उनके चलते थोड़ा सा आप निराश रह सकते हैं। इस महीने अपने प्रियजनों को नाराज होने से आपको बचाना होगा। अधिकांश ऊर्जा उनको मनाने में खर्च ना हो इसके लिए पहले से उन्हें नाराज होने से बचाएं। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन संतोषी माता को प्रसाद चढ़ाना जीवन में बेहतरी लाएगा। और बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, यह महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रह सकता है, मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर आपका आत्मविश्वास लगातार आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा तो दूसरी ओर आप कुछ निजी कारणों से परेशान रह सकते हैं। ऐसे में स्वजनों की राय जानकर अगर कोई पहल करते हैं तो निश्चित है कि जीवन में बेहतरी बनी रहेगी। इस समय अपने चरित्र की रक्षा भी जरूरी होगी, अन्यथा पड़ोसी आपको संदेह की नजर से देख सकते हैं। महीने के पहले भाग में कुछ आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन महीने का दूसरा भाग काफी अनुकूल रहने वाला है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान शिव को रबड़ी का प्रसाद चढ़ाना शुभ रहेगा। अगर यह प्रसाद आप सोमवार को चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, यह महीना शायद आपको अधिक मेहनत करने पर ही संतोषजनक परिणाम दे पाएगा। ऐसे में आपको पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहना होगा। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से आपको बचना होगा। यद्यपि नौकरी पेशा लोगों के कार्य कौशल का पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा, लेकिन चुगली करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा। महीने के पहले भाग में स्वयं को अहंकारी होने से भी बचाना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी ये मदद होगी, आप स्वयं की मदद कर पाएंगे ऐसा करके। महीने का दूसरा भाग आर्थिक व पारिवारिक मामलों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। उपाय के रूप में प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना जीवन में शुभता लाएगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका बुद्धि कौशल आपको अधिकांश मामलों में सफल बनाएगा। कोई स्त्री आपसे अपने किए गए वादों को शायद ना निभा पाए, ऐसे में आत्मनिर्भर रहना ही ठीक रहेगा।
आपका आत्मविश्वास आपको विजय दिलाएगा। किसी पड़ोसी से थोड़ा बहुत मनमुटाव भी संभव है। महीने का पहला भाग थोड़ी बहुत अनावश्यक भाग दौड़ करवा सकता है, लेकिन महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। भाग दौड़ आपकी रंग लाएगी। कुछ वरिष्ठों के सहयोग से आप अपने काम को और भी बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे। उपाय के रूप में सूर्य भगवान के मंत्र का जप करना जीवन में शुभता लाएगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस महीने आपको अनुकूल परिणाम पाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ सकती है। बिना योजना के काम पर लग जाना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे में आपका प्रयास बेकार जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि कोई काम एक बार में सफल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए, ना कि असफलता का गुस्सा अपने घर परिवार या औरों पर निकालें। महीने का पहला भाग आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम देने में सफल रहेगा, लेकिन जिन सावधानियों की मैं बात कर रहा हूं उन्हें महीने के दूसरे भाग में बरतने की सख्त जरूरत रहेगी। और अब उपाय की बात कर ली जाए। उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो जीवन में जो कुछ कठिनाइयां आने के संकेत ग्रह गोचर कर रहे हैं वो नहीं आएंगी। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बस जरूरत रहेगी तो केवल इस बात की कि आप जो भी करें उसे संयम के साथ करें। ऐसा कुछ भी करने से बचें जो आपके सम्मान के लिए ठीक ना हो। हालांकि महीने का पहला भाग आपके काम धंधे के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। बस अगर काम के साथ साथ घर वालों के लिए भी अगर आप समय निकाल लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। जो महीने का दूसरा भाग है वह और भी अनुकूल है। यदि मेहनत का पूरा परिणाम आप पिछले दिनों नहीं पा सके हैं, आपको नहीं मिल पाया है, तो इस समय मिल जाएगा। उपाय की बात करें तो परेशानी होने की स्थिति में माँ दुर्गा की प्रार्थना अगर आप करते हैं कि वो आपके काम को बनाए, तो निश्चित है आपकी प्रार्थना रंग लाएगी और आपके जीवन में बेहतरी आएगी। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, यह महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। हालांकि काम धंधे के लिए समय अनुकूल है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि किसी महिला सहकर्मी से आपको धोखा मिल सकता है अथवा आपकी छवि संदेह के घेरे में आ सकती है। महीने का पहला भाग भाग दौड़ अधिक करवा सकता है। इस समय पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है अथवा उनका गुस्सा आप पर निकल सकता है। ऐसे में समझदारी से काम लेना ही बेहतर विकल्प होगा। महीने का दूसरा भाग काफी अच्छा है। इस समय अधिकांश कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। वरिष्ठों का सहयोग भी इस समय आपको मिल जाएगा। समाज में आपकी छवि भी और बढ़ेगी। उपाय के रूप में गरीबों को उड़द के दाल की खिचड़ी खिलाना शुभकर रहेगा। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कामों से परिणाम के लिए आपको भरपूर कोशिश करनी होगी, यानी आप अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि आपके काम बन जाएंगे। आपके वरिष्ठ किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि आपकी बॉस कोई महिला है तब तो आपको और भी सावधान रहने की जरूरत है। न जाने किस बात पर वो आपसे कब नाराज हो जाए। विशेषकर महीने के पहले भाग में तो इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। बात करें महीने के दूसरे भाग की तो इस समय सूर्य की स्थिति बेहतर होने के कारण तुलनात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम जो है आपको मिलते रहेंगे, यानी यह भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कठिनाइयां भी दूर होने लगेंगी। उपाय के रूप में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभकर रहेगा। और बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस महीने आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं, अतः पुरुषार्थ करके आप परिणामों के प्रतिशत को बेहतर कर सकते हैं। इस महीने आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता रहेगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको न केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य का बल्कि उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। तुलनात्मक रूप से बात करें तो महीने का पहला भाग ज्यादा बेहतर है, अतः जरूरी कामों को पहले भाग में निपटाना ठीक रहेगा। महीने का दूसरा भाग थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः इस समय संयम और समझदारी से काम लेकर काम चलाना होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सिंदूर मिला जल सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो अच्छे अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। और अब बात भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों, सामान्यतौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं।
यदि साझे का व्यापार करते हैं तो आपको आपके पार्टनर की सलाह जरूर सुननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए। बहुत संभव है कि उनकी सलाह कोई बेहतर रास्ता दिखा पाए। यदि किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं तो उसके बारे में विधिवत जानकारी इकट्ठा करके ही कदम उठाएं। महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अच्छा है, पुरुषार्थ करके आप बहुत कुछ इस समय अर्जित कर सकते हैं। हालांकि दूसरा भाग भी अनुकूल है, लेकिन उस समय कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते आप अपने काम व समाज को थोड़ा सा कम समय दे पाएंगे। उपाय के रूप में कन्याओं को मिश्री भेंट करना शुभ रहेगा। तो ऐसा है कि इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने सितंबर के महीने को बेहतरी दे पाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें, मेरी यही शुभकामना है। और इस शुभकामना के साथ मैं चाहूँगा आपसे अनुमति, लेकिन हमारे वीडियोस को निरंतर देखते रहने के लिए आपको एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नमस्कार।